सब्सक्राइब कीजिए इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो Zoom वीडियो कॉलिंग ऐप है उस पर सिक्योरिटी का ख़तरा देखा गया है। CERT ने जारी की है एडवाइजरी। कोरोना वायरस के कारण देश और दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन होने के बाद लाखों लोग घर से काम कर रहे हैं। घर से काम के दौरान मीटिंग स्काइप या फिर Zoom जैसे वीडियो कॉलिंग ऐप के ज़रिए हो रही है। वर्क फ्रॉम होम के दौरान Zoom वीडियो कॉलिंग ऐप का इस्तेमाल बड़े स्तर पर हो रहा है। इसकी पॉपुलरिटी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मामले में माइक्रोसॉफ्ट के स्काइप को भी पीछे छोड़ दिया है। डाउनलोडिंग के मामले में Zoom ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर टॉप ट्रेंडिंग में आ गया है। इसी बीच सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। CERT ने Zoom ऐप के इस्तेमाल को लेकर जारी की एडवाइजरी। भारत की कंप्यूटर एजेंसी रेस्पॉन्स टीम और नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने लोकप्रिय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप Zoom की सिक्योरिटी को लेकर आगाह किया है। CERT इन ने कहा है कि Zoom ऐप साइबर हमलों का जरिया बना सकता है। इस ऐप के जरिए साइबर अपराधी सरकारी और निजी कार्यालयों का डाटा चोरी करके उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। CERT ने कहा है कि Zoom ऐप के साथ डाटा लीक का खतरा है। सुझाव के तौर पर एजेंसी ने कहा है कि Zoom ऐप के इस्तेमाल से पहले ऐप को अप टू डेट रखें और मजबूत पासवर्ड रखें। इसके अलावा ऐप में वेटिंग फीचर को ऑन रखें ताकि मीटिंग में हिस्सा लेने वाले लोगों पर कंट्रोल बना रहे। 20 करोड़ से अधिक डेली यूजर्स इस ऐप के हो गए हैं। Zoom के CEO एरिक एस युआन ने अपने एक ब्लॉग में बताया कि दिसंबर 2019 में Zoom के डेली एक्टिव यूजर्स की संख्या 10 मिलियन यानी 1 करोड़ थी। 2020 में 200 मिलियन यानी 20 करोड़ हो गई है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया भर के 20 देशों के 90,000 से अधिक स्कूल भी Zoom ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्राइवेसी को लेकर CEO ने क्या कहा, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। CEO ने सिक्योरिटी को लेकर उठ रहे सवाल पर कहा है कि कंपनी मामले की जांच कर रहा है और अगले 90 दिनों में सिक्योरिटी के मसले को हल किया जाएगा। सिक्योरिटी पैच के लिए अपडेट जारी किया जाएगा। युआन ने कहा है कि Zoom ऐप सिर्फ एंटरप्राइज़ के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस के फैलने के बाद इसका इस्तेमाल ऑफिस मीटिंग के लिए भी होने लगा है। ऐसे में हमें उन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, हालांकि हम इस पर काम कर रहे हैं। तो Zoom ऐप से सिक्योरिटी का ख़तरा बढ़ रहा है, तो आप सोच समझ कर इस ऐप को इस्तेमाल करें। साथ ही अपने लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स या मोबाइल्स में जहां भी Zoom ऐप का यूज़ कर रहे हैं एंटीवायरस भी साथ में रखें, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस ऐप को बंद कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप कोई सुझाव सजेशन देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।